जय श्री राधे। सर्वप्रथम सबके श्री चरणों में कुमारी साक्षी चौधरी की तरफ से हाथ जोड़ करके नमामि नमस्कार, राधे राधे। तो देखिए, कभी ने कलम उठाया, बड़े ही सुंदर शब्दों में दो लाइन के माध्यम से देखिए किस प्रकार बताया और कैसे। देखिए, जो कि प्रातःकालीन वेला है, तो देखिए कहां किस प्रकार। कंचन जैसी काया तेरे, देखिए कहां कि ये व्यक्ति की जो काया है वो मात्र दो दिन का बसेरा है, और कहां कंचन जैसी काया तेरे और एक कामना बेगी। ओ बाप रे, ये माया संगीना जावेगी। ओ बाप रे, ये माया संगीना जावेगी। हाँ, जय श्री राधे। संजू प्रधान जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहा कंचन जैसी काया तेरे कम ना आवेगी। ओ बाप रे, ये माया संग न जावेगी। ओ बाप रे, ये माया संग न जावेगी। और देखिए कहा जग में जाएगा अकेला।
₹1,00,000 का पुरस्कार पहले संजू प्रधान जी की तरफ से आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कहा तेरी ही बुद्धि है कहीं फैले नरक को तो ले जावे। विचार कर रहा है यदि मेरी माँ मेरे भाई मुझे आज्ञा दे देते तो मैं उस दुर्योधन को खत्म कर देता। लेकिन देखिए दूसरी तरफ अर्थ के माध्यम से किस प्रकार बताया। क्या घूमे हाथ कदा भी मांगे, क्या घूमे हाथ कदा भी मांगे, क्रोध रया तन छाई है उसी बनी में दानव रहते एक बहनिक आई है। क्या नाम हिडम्बा और हिडम्बी, क्या नाम हिडम्बा और हिडम्बी, लगाए के लौटे फेरा दियो डाल बनी में फेरा। तो देखिए दूसरी तरफ वो दानव अपनी बहन हिडम्बी से किस प्रकार कह रहा और कहा कैसे। Oh,
बियाबान जंगल में आगे बढ़ती हुई जा रही है। तो देखिए आज जैसे ही अपने भाई की बात मानी, बियाबान जंगल में आगे बढ़ करके गई और देखा सामने एक बड़ा ही सुंदर युवक खड़ा है। उसके रूप को देखा मोहित हो गई और बताया अर्थ के माध्यम से, क्या बल्कि खान स्वरूप खजाना, क्या बल्कि खान स्वरूप खजाना और निस्मय करे उजाला है। ऐसा सुंदर रूप प्रभु ने बना कहां से डाला है कि तन मन अपना सब दे बैठी, कि तन मन अपना सब दे बैठी वो माया की नारी। अब किस्सा सुनो और देखिए 101 रुपए का पुरस्कार संजीव प्रधान जी की तरफ से आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए अंकल जी बताए किस प्रकार। बड़ा राजा नाम
भगवान सिंह प्रधान जी दे रहे हैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक 51 रुपए का पुरस्कार मुकेश प्रधान आगामी प्रत्याशी इनकी तरफ से आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। 101 रुपए का पुरस्कार संजू प्रधान जी की तरफ से आया एक बार फिर से, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए कहा वक्त पड़ा अंधी अंधों पर, वक्त पड़ा अंधी अंधों पर, वन में शरवण मरण हुआ। और सुन करके सुत का मरना फिर उन दोनों योजना बना लेती है। लेकिन देखिए उस भीमसेन के पास जाने के लिए किस प्रकार सज रही है और देखिए किस प्रकार करती है।
गीत की तरफ, जिसे कि घनश्याम जी पटलोनी वालों ने इस गीत को लिखा। अपने मन के भावों को इस गीत के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं, लेकिन सुनिए फिल्मी दुनिया वाले किस प्रकार कह रहे हैं। अगर न मिलते इस जीवन में तो लेते जन्म दोबारा, और जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, घर की फुलवारी बेटी बिन सुन
तरफ से आ रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए अंकल जी किस प्रकार का कर की फुलवारी बेटी बिन सुना मांगन होगा, बिन बेटी ये तेरे बेटे का सुना सावन होगा, ये सुना सावन होगा। और देखिए सबसे अंतिम बात, कभी ने एक बड़ी ही घटना जो बुरी घटना होती है उसकी ओर ध्यान दिया और अंतिम मंत्र के माध्यम से बड़े ही सुंदर शब्दों में लिख रहा है। मोहन श्याम प्रधान जी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि आज के समय में चर्चा का विषय है, भ्रूण हत्या। और देखिए कवि ने प्रकाश डाला है और किस प्रकार लिख दिया भैया जी। गर्भ के अंदर यदि बेटी ने कू ऐसे ही मरवा में सूदे बैठ जाऊंगा जी।